बच्चे की कॉल मुझे रिसीव हुई है कि वो जो है ना एक जगह पर उसको किसी ने रखा हुआ है और वो अगवा हुई है। गुजर नाला है, गंदा नाला, वहाँ पे एक बस गिर गई थी जिसमें 20 से 25 नाले के अंदर गिर गई, नाले के अंदर उलट गई थी, बस उलट गई थी। अच्छा, इसमें 20 से 25 लोग थे। भाई एक पुलिस मुकाबला होने लग गया था वहाँ पे, तो फोर्स और आ गई, वो लोग वक्ती तौर पे तो भाग गए, उन्होंने क्रॉस फायरिंग के चक्कर में दोनों आड़ लेते हुए कहीं बाइक पे चले गए थे। एक बंदे को पुलिस की गोली लगती है और वो फिर भी बाइक पे बैठ के भाग जाता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिमशा अवान और मैं हूं मोहम्मद फाइक। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने डिपार्टमेंट में रहकर बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और ऐसे केसेस की बरवक्त कार्रवाई की जिनकी वजह से जो शहरी हैं वो बहुत बड़े नुकसान से बच चुके। आज हम उनको मिलवाते हैं आपसे और जानते हैं उनसे कि कैसे उन्होंने केसेस सॉल्व किए और कैसे जो शहरियों को नुकसान से बचा लिए। तो आइए हमारे साथ। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद, जो कि बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ भी रहे हैं और इसके साथ ही साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा चलान किए हैं और सबसे ज़्यादा देखते हैं कि कितने उन्होंने चलान किए हैं और कितना मुश्किल हो जाता है चलान पर करने, क्योंकि वायलेशंस बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं और चलान आपको कैप्चर होकर काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। एक तो पहली बात ये है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है और आपको रिवॉर्ड मिला है। दूसरा, मुझे ये बताएं कि कितना चैलेंजिंग हो जाता है चलान करना और ख़ासतौर पर दुरुस्त चलान करना। जी बिल्कुल, हमारा जो ई टिकटिंग सेंटर है उसमें हम 5 तरह की वायलेशंस जो हैं वो कैप्चर करते हैं, जिसमें रेड लाइट सिग्नल वायलेशन है, लेन लाइन की वायलेशन है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग की है, वन वे वायलेशन है और ओवर स्पीडिंग की है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कैप्चरिंग आती है, जिसमें हमें डेली जो टारगेट होता है 400 चलान हमने वैलिड करने होते हैं। okay. यानी हमने वेरीफाई करना होता है कि ये चलान वैलिड है, तो उसे हमने वेरीफाई करना होता है कि ये ठीक है, इसका नंबर ठीक है, वायलेशन ठीक है इसकी। तो बिल्कुल 400 चलान एक मुश्किल टास्क होता है। तो मेरी अचीवमेंट ये थी कि मेरी पूरे मंथ में हमारी कैंसिलेशंस आ जाती हैं, कोई गलत चलान हो जाए, कोई नंबर गलत हो गया है, कोई चलान गलत हो गया गलती से, मिस्टेक हो सकती है, बिल्कुल इंसान है तो कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो मेरी ये अचीवमेंट थी कि कोई कैंसिलेशन नहीं थी उसमें। अच्छा अच्छा, मतलब जितने भी आपने 400 चलान किए पर डे और वो बिल्कुल ठीक गए। बिल्कुल ऐसा ठीक। अच्छा जुनेद, अपने एक्सपीरियंस से मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा वायलेशन लोग किस चीज़ पे करते हैं। जो हमारे पास कैप्चरिंग के हवाले से सबसे ज़्यादा वायलेशन जो रिकॉर्ड होती है वो होती है, सबकी होती है वैसे तो, लेकिन जो रेड लाइट की होती है वो ज़्यादा होती है। रेड लाइट लोग सिग्नल को फॉलो नहीं करते करते अब वैसे बहुत हद तक करने लग गए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि वो नहीं करते, जिसमें फिर ज़्यादा चलान जो है वो रेड लाइट की ही हम करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अफनान पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर, उनसे पूछते हैं उनकी अचीवमेंट के हवाले से। अफनान, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अफनान, बताएं किन किन डिपार्टमेंट में आप लोगों ने आपने काम किया और बताएं कि क्या अचीवमेंट थी आपकी? मैंने ओएमसी, डीसीसी, ईसीसी और लॉस एंड फाउंड, चारों डिपार्टमेंट्स में काम किया है। अच्छा, तो मेरी तकरीबन ओएमसी में बना पीस ऑफ द मंथ 2 दफ़ा और इसके अलावा डीसीसी में 1 दफ़ा और ईसीसी में 1 दफ़ा बना। मतलब जिस डिपार्टमेंट में भी गए हैं आप पीस ऑफ द मंथ रहे हैं। ठीक है, तो अचीवमेंट के बारे में बताइए, बेस्ट अचीवमेंट अब तक। फाउंड में ये अचीवमेंट थी कि 1/5 की कॉल चली सिंपल, इस तरह के कोई सेक्रेटरी टाइप मैडम थी, उनकी कॉल आई कि सिंपल एक बच्चे की कॉल मुझे रिसीव हुई है कि वो जो है ना एक जगह पर उसको किसी ने रखा हुआ है। अच्छा। और वो अगवा हुई है। अच्छा, तो और वो अब वो आगे उसने कॉल कट कर दी। तो उसके बाद फिर उस कॉल के अगेंस्ट फिर हमने जो है ना, अच्छा, जो लड़की अगवा हुई थी उसने ही 1/5 पे कॉल की कि मैं अगवा हुई हूं। उसने सिर्फ ट्विटर पे चैट किया, ट्विटर पे चैट किया कि इस तरह मरीज घर में रखा गया। तो जो जिनको कॉल जो वहाँ पे जो सेक्रेटरी साहब थी उन्होंने यहाँ पे 1/5 पे कॉल किया, तो आई थिंक ये वेरीफाई पता नहीं जो या किसी मजाक ने किया, लेकिन हमारे तो हर कॉल एक जीनियस होती है। हमने उसको अनाउंस किया, कंट्रोल पे अनाउंस किया डॉल्फिन पीरिस को, क्योंकि उन्होंने बताया कि सिर्फ लोकेशन है ठोकर। तो हमने ठोकर के इर्द गिर्द के 3-4 थाने चौन, नवाब टाउन, मुस्बा टाउन, हंजरवाल, चार इलाकों में नोट कराया। उन्होंने कहा हो सकता है किसी पनागा वाली साइड पे कहीं पे ना हो। तो जब अनाउंस किया तो उसके बाद डॉल्फिन पीरिस उस टाइम तो उन्होंने अनाउंस कर लिया, उन्होंने कहा हमने चेक कर रहे हैं शायद यह घर से लड़की गई है, कोई इस तरह का इनका इशू है, झगड़ा हुआ। तो फिर करते करते जब हमारी शिफ्ट नाइट शिफ्ट थी, जब शिफ्ट एंड का टाइम आया तो 5 बजे के करीब डॉल्फिन की कॉल आई के ICC डॉल्फिन। तो हमने जब उनसे रब्ता किया, उन्होंने बताया कि हमने जो है बच्ची लोकेट करके ट्रेस कर ली है। अच्छा, उसे हम थाने अंजरवाल में ही लेके जा रहे हैं। अच्छा, फिर हमने जो मुतलका कॉल है सेक्रेटरी साहब से, बच्ची बाजियाब हो गई, बच्ची बाजियाब हो गई। जी नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर साद, आइए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या अचीवमेंट है और किस तरह वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं साद आप? लगा शुक्र। अच्छा साथ, क्या ऐसी अचीवमेंट है जो आपने जो है इस ड्यूरिंग जो आप पीसी ऑफ द मंथ भी रहे हैं, बल्कि लेटेस्ट आप ही बने हैं, कौन सी ऐसी अचीवमेंट है जो आपने अकॉम्प्लिश की? मैडम अचीवमेंट तो बहुत हैं,
मगर एक जो अचीवमेंट है वो ये है कि इलाका थाना कोट लखपत में गुजर नाला है, गंदा नाला, वहाँ पे एक बस गिर गई थी जिसमें 20 से 25 नाले के अंदर गिर गई, नाले के अंदर उलट गई थी, बस उलट गई थी। अच्छा, इसमें 20 से 25 लोग थे। तो हमने वहाँ पे फौरन, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर है, यहाँ पे रेस्क्यू का भी काम हो रहा है, पुलिस का भी हो रहा है, तो हमने उसी टाइम मौका पे पुलिस को और रेस्क्यू को बेहक वक्त डिस्पैच करवाया। वहाँ पे मौका पे 3 से 4 कैजुअलिटीज हुई। अगर अच्छा। मौका पे पुलिस ना पहुंची, 5 से 6 मिनट में पुलिस वहां पे पहुंच गई थी। अच्छा, तो इससे भी ज्यादा कैजुअलिटीज हो सकती थी, हो सकती थी, लेकिन बर वक्त जो है उन्हें रेस्क्यू किया, क्विकली रिस्पांस दिया उनको और फौरन से जानी नुकसान होने से बचाया आपने। क्विकली रेस्क्यू और पुलिस को दोनों को डिस्पैच किया। और वो अच्छा अच्छा शायद इसके अलावा जो आप डीसीसी में रहे हैं पिछले मंथ, यस प्लीज, तो कितना मुश्किल हो जाता है जब केस आना शुरू होते हैं, तब केस पर केस आ रहा होता है और बड़ा मुश्किल हो जाता है हर केस को डिस्पैच करना और फील्ड फोर्स को भेजना। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, खासतौर पे इवनिंग शिफ्ट, जब इवनिंग शिफ्ट में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, हमारे साथ पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते रहे, वो भी लगातार 3 मंथ, उनको 3 दफ़ा पीसी ऑफ द मंथ का रिवॉर्ड भी मिला। उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या अचीवमेंट्स थी और किन किन डिपार्टमेंट में उन्होंने सर्व किया। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब राशिद। राशिद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा राशिद, बताएं कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपने सर्व किया? सर, मैंने OMC में स्टार्ट किया था, उसके बाद मैं DCC में आया, फिर ECC में, दोबारा OMC में। कोई अचीवमेंट ऐसी बताएं, बड़ी डिफरेंट अचीवमेंट हो, आप समझते हैं कि अब तक की बेस्ट अचीवमेंट थी वो? सर, DCC डिपार्टमेंट में एक बार हुआ था इस तरह, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ECC से केस बना था, सही। बहुत शॉर्ट टाइम में केस बना है। उस केस में था कि 2 लोग हैं, एक होटल में आके उन्होंने वेपन रखा हुआ है और वो इस तरह बैठे हुए हैं, तो वो सस्पिशियस हैं। तो ये केवल बनी थी, वो चौकी का इलाका था, एक इलाके की, मैंने चौकी को और याद नहीं मुझे कि डॉल्फिन कौन सी थी, वो डॉल्फिन को भेजा। तो उसी इलाके के जो SHO साहब हैं, खालिद साहब, वो भी वहाँ पे पेट्रोलिंग में थे, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड उनसे पहले किया था कि ये मेरा इलाका है। तो जैसे वो गए हैं गनमैन के साथ, तो उनके गनमैन के ऊपर या उनके ऊपर शायद फायर हुआ था, तो उन्होंने कंट्रोल पे, क्योंकि आपको पता है कि IC3 में, IC3 के अलावा पुलिस कंट्रोल भी चलता है, तो उस डिवीजन के कंट्रोल को उन्होंने कहा था कंट्रोल यहाँ पे जितनी भी डिस्पैच फील्ड फोर्स है उसको भेजें, हमारे पे फायर हुआ है, जो वाटरफायर की कॉल थी उस पर मैं ऑन लोकेशन हूँ। तो वहाँ पे फिर सारे लोग गए थे, तो वो जो कॉल बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि वो जैसे ही केस बना है तो वैसे ही वो डिस्पैच हो गया था, हालांकि मैसेजेस और भी चल रहे होते हैं कंट्रोल पे। 2 कंट्रोल जब इकट्ठे काम करते हैं तो उसमें थोड़ा होता है कोऑपरेशन का मसला होता है, तो वो जो उस चीज़ को हम मतलब के देख रहे थे, हाँ जी, वो जो प्रायोरिटी बेस पर हमने पढ़ाया, कंट्रोल ने भी साथ दिया, तो वो बीरू डॉल्फिन और मुतलका जितने भी करीब थे सबको भेज के हमने वहाँ पे उसको राउंड ऑफ करवाया। तो हुआ ये कि पुलिस मुकाबला होने लग गया था वहाँ पे, तो फोर्स और आ गई, वो लोग वक्ती तौर पे तो भाग गए, उन्होंने क्रॉस फायरिंग के चक्कर में दोनों आड़ लेते हुए कहीं बाइक पे चले गए थे। एक बंदे को पुलिस की गोली लगती है और वो फिर भी बाइक पे बैठ के भाग जाता है, वो थोड़ा सा दूर जाता है तो पुलिस उसको चेज करती है डॉल्फिन टीम, तो डॉल्फिन टीम ने उसको जो पीछे वाला बंदा था जख्मी ज़्यादा था, वो कहीं जख्मों को ताब ना लाते हुए गिर गया कहीं, इस तरह मामला हुआ उसके साथ, तो वो जख्मी हालत में पकड़ा गया। तो ये बताने के मेरे लिए जो एक अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि विद इन कह लें कि आप बहुत छोटे, एक्चुअली आपकी डिसीजन मेकिंग होती है कि बहुत सारे केसेस आ रहे होते हैं, आपने देखना होता है कि जो हीनियस केसेस को फॉरेन से डिस्पैच किया जाए। DCC में काम करते हैं, DCC कह लें कि एक प्रेशर कंडीशन में हम काम कर रहे होते हैं, एक तो पुलिस का इंटरनल जो अपना उनका चल रहा होता है वो कंट्रोल पर चल रहा होता है, उसको भी देखना होता है, एक हमारे अफसरान का होता है कि वो जो इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग चलना होता है हमने, और जो केसेस आ रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं एकदम, जैसे इवनिंग में शिफ्ट में केस बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो हम सारे केसेस को क्यू वाइज लगा लेते हैं, उस क्यू वाइज फिर उसको प्रायोरिटी रखी जाती है और प्रायोरिटी बेस उसको पढ़ाया जाता है, और फिर कौन सी कॉल किसको देनी है, और मतलब उस पर प्रायोरिटी लगाई जाती है कि डॉल्फिन को हम कोशिश करते हैं घरेलू लड़ाई झगड़े वाली कॉल ना दें, रोड रॉबरी या स्नैचिंग वगैरह जो खतरा खस्ता होती है तो उसमें दें, तो वो जो हमने उसको करना होता है, ये सारी चीज़ें प्रेशराइज कंडीशन में होती हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए वो चीज़ पढ़ाई गई थी, और जितनी भी करीब की वो डॉल्फिन वगैरह थी उन्होंने चेक किया उसको, जाके वो क्रॉस फायरिंग हुई और वो बंदा एक पकड़ा गया। मुझे लगता है कि थैंक यू सो मच राशिद, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स आवाम के तहफ़ुज़ के लिए कोशा हैं और दिन रात जो है वो आपकी खिदमत कर रहे हैं और आपको जो है भारी नुकसान होने से बचा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमें इजाज़त दीजिए, जाते जाते मैं आपको बताते चलूँ कि आपने हमें YouTube पे सब्सक्राइब करना है, Facebook पे फॉलो करना है, Twitter और Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं। सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ, अल्लाह हाफिज़।